राधे राधे दोस्तों, आज मैं अपनी रसोई में आपके लिए एक मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है ये घिया या लौकी की, कोई कोई इसे लौंग भी बोलते हैं, कोई कोई हलवा बोलते हैं। देखिए, वैसे तो इसमें खोआ पड़ता है, खोआ कह लीजिए, मेवा कह लीजिए, मावा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे पास थोड़ा गुजियों का मिक्सचर बचा रखा था, मैं उससे बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने गुजियों के लिए बनाया था, वो बच गया था मेरे पास इतना। अब मैं उसी से आपको आज लौकी का हलवा बनाना बताऊंगी कि आप कैसे बनाएं, मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि इसमें खोआ भी है और मीठा भी पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, तो अब इसको बेकार तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि हम तो सुपर वूमेन हैं, अपनी रसोई में कोई सामान बेकार नहीं जाने देते हैं। इसलिए मैं आज आपको इसके ही इस्तेमाल से मैं आपको लौकी का हलवा बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हमें और क्या सामान चाहिए ये भी मैं बता दूं। ये चीनी, देसी घी और घर की बनी हुई मलाई या क्रीम, वो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा कोई सामान। ये हरी इलायची है, ड्राई फ्रूट्स आपके यहाँ जो भी खाना चाहें, इसमें आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं, मखाने भी ले सकते हैं, जो आपके यहाँ खाया जाता हो वो ले लें। चलिए चलते हैं अपने आगे के सफर की तरफ। सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे और घिया कस से घिस लेंगे। ये देखिए, मैंने लौकी को घिस घिया कस में घिस लिया है। ये देखिए, कढ़ाई में हल्का सा देसी घी डाल देंगे। कि इसमें हम सिर्फ देसी घी ही डालते, रिफाइंड या सरसों का तेल वगैरह नहीं डालना, नहीं इसका स्वाद खराब हो जाएगा। अब इसको हम जब तक पकाते रहेंगे तब तक इसमें एक घिया पानी ना छोड़ दे हमारा। बीच बीच में इसको आप चलाते रहिए। ये देखिए, घिया ने पानी छोड़ दिया ना, ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। देखिए, दिख रहा है ना कितना पानी है। अब इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे। अब देखिए, इसका पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, ये देखिए। अब इस स्टेज में इसमें जो हमारा ये मिश्रण बचा रखा था ना गुजियों का, ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। वैसे तो उसमें भी मीठा डला हुआ था, पिसी हुई चीनी पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी अगर आपको कम लगे तो और शुगर डाल देना, इसमें थोड़ी सी चीनी और डाल देना, जैसा आपके यहाँ मीठा खाया जाता हो, कम ज्यादा। आप इसमें केवड़ा भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला। अब इस पे ना हम ये घर की बनी हुई मलाई डाल देंगे। अब
अब इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, काजू बादाम। अगर आप किशमिश इसमें डालना चाहें तो किशमिश, जब आपको किसी के लिए पर्स है ना तो उसी टाइम उस कटोरी में डाल देना, क्योंकि इसमें मैंने मलाई डाली है ना, तो किशमिश डालने से ना ये जल्दी खराब हो जाएगी। वैसे आप इसको 2-3 दिन बिना फ्रिज के भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर फ्रिज में रखें तो ये महीने भर तक चल जाएगी। देखिए बच्चों के लिए कुछ मीठा भी बन गया और हमारा जो गुजियों का मिक्सर बचा था वो भी यूज हो गया, दोनों बातें हैं ना। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा ये लौकी का हलवा बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए अब इस स्टेज पे हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, और कोई जरूरी नहीं कि आपके यहाँ गुजियों का मिक्सचर बचे तो ही आप बनाएं, इसको आप मेवे का भी बना सकते हैं। कभी अगर मेरे यहाँ पे आया खोआ तो मैं उसका भी आपको बना के बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। हाँ, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप बची हुई जो बचता है गुजियों का मिक्सचर उसका आप क्या करते हैं। मैंने भी इस तरह से फर्स्ट बार मिक्स बनाया है, मैंने भी आज से पहले कभी नहीं बनाया था, पर जो हम काम करते रहते ना तो फिर उसमें हमारा दिमाग चलता ही है। आप लोगों के लिए मेरे कहने पे प्लीज एक बार जरूर बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।